नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं थायराइड की प्रॉब्लम्स क्यों हो जाती है, और अगर आपको लगता है कि आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगा है या फिर बहुत तेजी से घटने लगा है तो दिक्कत कहाँ पे होती है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास लेकिन कोई भी बीमारी आपको पता नहीं चल पाता है, लेकिन आप ये नोटिस करते हैं कि आपका वजन दिन पर दिन घटते जा रहा है या फिर ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। आपका वजन जब घटने लगता है तो काफी तेजी से घटने लगता है, तो बॉडी में ऐसे कौन कौन सी चीजें होती है जिसकी वजह से ये होता है, और कई महिला को, कई पुरुष को भी ये प्रॉब्लम है कि उनका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, नॉर्मल खाना खाते हैं फिर भी ऐसी समस्या हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड में जब प्रॉब्लम्स हो जाती है इसी के कारण, यानी कि थायराइड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है बॉडी में, साथ में जब भी आपको प्रॉब्लम होता है आपको कैसा महसूस होता है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको ये दिक्कत होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, और अगर हो जाती है तो आपको क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, यहां पे हम डिस्कस करेंगे आज थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो मैं यहां पे लिख देती हूं थायराइड ग्लैंड प्रॉब्लम्स। अब इसकी वजह से आपके बॉडी में क्या क्या चीजें होंगी अगर आपके थायराइड ग्लैंड में दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड हमारे बॉडी में कहां पे मौजूद होता है, जो हमारा गला है, आप यहां पे देख रहे हैं, ये गला के पास, ये देख रहे हैं यहां पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे आपको महसूस हो रहा होगा कि यहाँ पे कुछ बटरफ्लाई जैसा बना हुआ है, ये वाला शेप यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो बटरफ्लाई शेप है इसी को हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। अब इसी बटरफ्लाई शेप में, यहां पे देखिए, इसी बटरफ्लाई शेप में यहां पे तितली की तरह हो गया। अब जैसे ही ये वाला शेप है, यहां पे देखिए ये वाला शेप, ये वाला, ये आपको जो दिख रहा होगा इस तरह से है, ये वाला शेप है, इसमें छोटा छोटा चार ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या बोलते हैं? पैरा थायरॉइड ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड। अब यहां पे बटरफ्लाई शेप के बीच में ये चार ग्लैंड का क्या काम होता है हमारे बॉडी में, ये जो चारों ग्लैंड होती है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है। अब यहां पे मैंने कैल्शियम का सिंबल लिखा है Ca, और यहां पे 2 इसकी वैलेंसी होती है, तो इसको हम अच्छे से इस लेक्चर में तो डिस्कस अभी नहीं करेंगे, लेकिन हम कभी और कर लेंगे। यहां पे देखिए, ये जो थायरॉइड ग्लैंड है इसका क्या काम है, थायरॉइड ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन निकालती है, ऐसे तो ये तीन प्रकार के हार्मोन को निकालती है। ठीक है, पहला होता है इसका T4, दूसरा होता है इसका T3, और तीसरा होता है इसका कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। अब ये जो मेन हार्मोन हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स निकालती है, वजन काफी तेजी से बढ़ने लगता है और काफी तेजी से घटने लगता है। तो देखिए यहां पे क्या होता है, हार्मोन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी में खून है तो हार्मोन भी सेम खून के साथ मिक्स होकर के पूरे बॉडी में फिर से घूमती रहती है। तो T4 को हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं, T4 को हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन बोलते हैं, और T3 को हम बोलते हैं थायरोनिन। ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो यहां पर देखिए, T3 को हमने बोला ट्राईआइडोथायरोनिन, और यहां पे जो T4 है यहां पे इसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन। अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ मिले थायरोक्सिन, इसका मतलब है कि ऐसा हार्मोन जो आपके थायराइड ग्लैंड से निकला हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि यहां पे आयोडीन 4 होता है और आयोडीन 3 होता है। अब बॉडी में हम क्यों बोलते हैं कि हमें आयोडीन खाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, हम जो भी आयोडीन खाते हैं या फिर आयोडीन के नाम पर हम क्या खाते हैं, नमक खाते हैं, और पानी में भी आयोडीन होता है। तो जब आयोडीन हमारे बॉडी में जाता है तो उसी आयोडीन का उपयोग करके ये जो तितली वाली ग्लैंड है ये फिर हार्मोन्स बनाती है, ये सभी हार्मोन्स को बनाती है, और मेनली ये T3 और T4 हार्मोन्स को बनाती है। ये जो कैल्सीटोनिन है ये बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। अब यहां पे कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि पैराथायरॉइड ग्लैंड फिर क्यों है यहां पे, भगवान ने ये वाली ग्लैंड फिर क्यों दी, जब यहां पे ये वाला हार्मोन निकल रहा था तो इसकी क्या आवश्यकता है। यहां पे देखिए कि जब ये पैराथायरॉइड ग्लैंड हार्मोन्स को निकालती है तो ये कैल्शियम बॉडी में बनी रहे इसके लिए कैल्शियम को निकालती है, कैल्शियम को मेंटेन करती है और कोशिश करती है कि ज्यादा अमाउंट में हमारे बॉडी में कैल्शियम रहे। लेकिन दिक्कत तब होता है जब बॉडी में एक्सेस कैल्शियम हो जाता है,
तो बॉडी में एक्सेस कैल्शियम ना जमा हो उसके लिए ये हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन्स उसको बिल्कुल ही मेंटेन करके रखता है, ये निकालता है कैल्शियम वाले हार्मोन को और ये इसके अगेंस्ट होता है और ये इसको बताता है कि कितना हार्मोन्स निकलना चाहिए। तो यहां पे दोनों चीजें होती है। अब इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो क्या है, वो कितने प्रकार की हार्मोन्स निकालती है, और अगर हम बात करें कि इस हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है, हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसको कंट्रोल हमारा ब्रेन ना करे, इसको कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, जो आपकी आपके ब्रेन में होती है। ये बहुत छोटी सी होती है, इसका जो शेप होता है वो इस टाइप का होता है। ये जो पिट्यूटरी हार्मोन पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये फिर एक हार्मोन को निकालती है। अब ये सीधे ब्रेन में कोई एक अंग मौजूद है, ग्लैंड मौजूद है, ये खुद पूरे ब्लड में घूम नहीं सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती है, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपका एक हार्मोन निकालती है जिसको हम बोलते हैं TSH और इसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ये वाली हार्मोन को यानी कि ब्रेन में से जब ये वाला हार्मोन निकलता है तो इसका मतलब होता है कि यहां पे थायराइड ग्लैंड को मैसेज मिल गया, यहां पे हार्मोन निकला, यहां से इंस्ट्रक्शन मिला, यहां पे इसको इंडिकेशन मिल गया कि अच्छा अब मुझे T3 और T4 और कैल्सिटोनिन को निकालना है, तभी बॉडी में ये दोनों हार्मोन निकलते हैं। अगर यहां से सिग्नल नहीं आया, TSH बॉडी में नहीं बना, तो दोनों में से तीनों में से कोई भी हार्मोन फिर नहीं निकलेगा। जब हार्मोन्स की अमाउंट ये T3 और T4 जब यही दोनों हार्मोन्स की अमाउंट कम हो जाती है, आपका ये जो ग्लैंड है वो सही से सही मात्रा में जब इस हार्मोन्स को नहीं बनाता है, उसी कंडीशन में आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है, तो आप ये महसूस करते हैं कि आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगा है। अब जब आपके बॉडी में हार्मोन्स T3 और T4 ठीक है T3 और T4 कम बनेगी, इसका मतलब है आप एक बीमारी से ग्रसित है और उस रोग का नाम क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म। दो तरह की बीमारी होती है, हाइपोथायरॉयडिज्म दो तरह की बीमारी होती है आपके बॉडी में, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जब भी थायराइड की प्रॉब्लम्स होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ता है, बहुत सारे लोगों का वजन घटने लगता है। तो जब वजन बढ़ेगा तो हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और जब वजन घटेगा तो हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बोलेंगे? हाइपर थायरॉयडिज्म। अब इसमें मैंने आपको बताया कि क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों हार्मोन अगर कम बनेगी तो आपका वजन बढ़ेगा, अगर ये दोनों हार्मोन ज्यादा बनेगी तो आपका वजन घट जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो दोनों हार्मोन है ये आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करके रखती है। अब यहां पे कंफ्यूजन ये आता है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि जो भी हम खाते हैं वो एनर्जी में, ऊर्जा में फिर कन्वर्ट हो जाता है। हम जो भी खाते हैं हम उसी से काम कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि जब ये चीज बैलेंस रहती है तो ये हार्मोन बॉडी में बिल्कुल सही है, लेकिन अब वजन घटने लगा है, इसका मतलब है कि ज्यादा हार्मोन निकल गया, आपके बॉडी की जो ऊर्जा है वो ज्यादा बन गई, वो ज्यादा खर्च हो गई इस हार्मोन के निकलने की वजह से। अब कम निकलेगा तो ऊर्जा खर्च हुई ही नहीं, इसका मतलब है कि वजन बढ़ जाएगा। अब जब ज्यादा निकला तो जब बहुत जल्दी खत्म हो गई तो इसका मतलब है कि वजन घट जाएगा, इसीलिए आप बहुत थके फील करते हैं, साथ में बहुत नर्वसनेस भी फील होती है। उन पेशेंट को आपके गले में सूजन हो जाता है जिसको हम बोलते हैं थायरोडाइटिस। अब देखिए यहां पे थायराइड ग्लैंड में सूजन है, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है थायरोडाइटिस, क्योंकि इसके लास्ट में आइटस लगा हुआ है। किसी भी शब्द के लास्ट में आइटस लगा हो इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, या फिर आप स्वेलिंग बोल सकते हैं, ठीक है, वहां पे सूजन हो जाना। जब भी आपके बॉडी में आपको महसूस हो कि यहां पे सूजन है, इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड में सूजन हो गई है और आपके बॉडी में जो हार्मोन्स है, थायराइड की प्रॉब्लम्स जो होना शुरू बोलते हैं जिसको कि शुरू हो गया है, वो शुरू हो जाता है। अब यहां पे इन्फेक्शन लग सकता है, साथ में बहुत सारे कंडीशंस भी होते हैं जिसमें आपको ऐसा फील होता है, बहुत सारी डिजीज होती है जिसमें आपको महसूस होता है कि आपके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम्स है, यहां पे फिर गांठ भी बन जाती
जाता है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपको फिर गांठ हो गया है? देखिए, जब भी आप पानी पीते हैं तो आप ये नोटिस करें कि ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आसानी से हल्का सा आगे की तरफ निकलता है, तो ये कितना आगे निकल रहा है, अगर गांठ होगा तो आपको यहां पर महसूस होगा, देखने से ही पता लग जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि अगर आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, मतलब क्या क्या फील करेंगे, क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो यहां पे ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म जिसमें आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, मतलब हार्मोन्स कम बन रहा है। जब हार्मोन्स कम बनने लगता है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, बाल झड़ने लगता है, बहुत ज्यादा थकावट होने लगती है, साथ में आप ये महसूस करेंगे कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो देखिए थोड़ा सा साइज में बड़ा हो गया है, ये नॉर्मल साइज है, और ये देखिए यहाँ पे हल्की सी इन्फ्लामेशन या फिर सूजन आप कह सकते हैं वो हो गई है। आपका जो स्किन है वो काफी रूखा रूखा सा रहने लगेगा, साथ में वजन तो बढ़ता ही है। अगर एक महिला को ये प्रॉब्लम हुआ है तो उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी वो चेंजेस आएंगे, पीरियड्स सही टाइम पे नहीं आएंगे या फिर आना बिल्कुल बंद हो जाता है। ब्रैडीकार्डिया, इसका मतलब है कि आप खड़े रहेंगे और आपको चक्कर आएगा, आप गिर जाएंगे, मतलब एनर्जी एकदम आपको लो फील होगा, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। सेंसिटिविटी टू कोल्ड, इसका मतलब है कि ठंडे मौसम को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप टॉलरेट नहीं कर पाएंगे उस चीज को। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है, अगर आपको थायराइड ग्लैंड में दिक्कत है और आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है तो यहां पे एक और समस्या होती है, पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा नर्वस फील करता है, बहुत इरिटेट फील करता है, साथ में उसके आंखों की जो देखने की क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है, अगर वजन कम होता है, अगर वजन ज्यादा होता है तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखना है कि ये सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका वजन बहुत तेजी से घट रहा है, इसका मतलब है तभी भी थायराइड की प्रॉब्लम है, उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म। अब इसमें होता क्या है कि पेशेंट बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करता है, मतलब बहुत थकावट, उसकी जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो काफी तेज रहती है, साथ में उसका जो वेट कम होते जाता है और बहुत फास्ट कम होता है विदाउट एक्सरसाइज, कोई भी आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं और तभी भी आपको महसूस होता है कि आपका जो वजन है वो काफी तेजी से घट रहा है, बहुत नर्वस फील करता है, उसको बहुत ज्यादा पीरियड्स आते हैं, अगर एक महिला है तो उसको पीरियड्स बार बार आएंगे, मतलब 15 दिन पे ही उसको आ जाएगा, उसको नॉर्मली अगर पीरियड्स आते तो 28 डेज होता है या फिर आप इसको 30 डेज लेके चल सकते हैं, जिसमें 3 से 4 या फिर 5 या फिर किसी किसी को 7 दिन के लिए पीरियड्स होते हैं, लेकिन इस कंडीशन में महिला को या फिर किसी औरत को 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद सही से 28 दिन पूरा भी नहीं होगा और उसको पीरियड्स आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो आपका बाल है, जब आपको हाइपरथायरॉइडिज्म की समस्या होती है तो बाल काफी ज्यादा रूखे हो जाते हैं, आवाज में हल्का सा भारीपन या फिर आप कह सकते हैं कि हल्का सा अजीब सा आवाज हो जाएगा, एकदम हार टाइप का, सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, हेयर लॉस, बाल झड़ने लगेंगे, बाल दोनों में झड़ता है, जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो जिसमें हाइपो हो यानी कि ज्यादा वजन बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, दोनों में आपको हेयर लॉस देखने को मिलता है। साथ में अगर मैं आपको बोलूं कि थायराइड की प्रॉब्लम किस किस को हो जाएगी, आखिर थायराइड क्यों हो जाता है, तो यहां देखिए थायराइड होने का जो कारण है वो क्या होता है, अगर किसी को थायराइड हो जाती है तो मेनली दो कारण होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं, अगर आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हाइपोथायरॉइडिज्म, हार्मोन कम बना, तो वो क्यों कम बना, वजन क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि जो पहला कंडीशन होता है वो होता है थायरॉइडाइटिस। इसमें क्या हो गया कि आपके ग्लैंड में सूजन हो गई, यहां पे स्वेलिंग हो गई, या तो कोई इन्फेक्शन लग गया या फिर आपको यहाँ पे चोट भी लग जाता है कभी कभी उसकी वजह से भी, या फिर यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका सही से काम नहीं कर रहा है उसकी वजह से भी, बहुत सारे बच्चों को भी दिक्कत होती है, तो थायराइड ग्लैंड में सूजन। अब ये जो थायराइड ग्लैंड की समस्या है ये औरतों को ज्यादा होती है, 8 गुना ज्यादा चांसेस है कि औरतों को ये हो जाए। ठीक है, आदमी की अपेक्षा अगर एक आदमी है और एक औरत है तो औरत को ज्यादा ये हो जाएगा। साथ में हम ये भी देखते हैं कि ये जो थायराइड ग्लैंड की समस्या ये किसी को भी हो सकता है, बच्चा को भी हो सकता है, जो जवान हो रहा है उनको भी हो सकता है, जिनकी अभी डेवलपमेंट हो रही है उनको भी हो सकता है, जो बूढ़े हैं उनको भी हो सकता है, तो हर एज के आदमी को ये हो सकता है, हर उम्र के बच्चों को ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरत को होगा या फिर आदमी को होगा। हाँ, इतना है कि यहाँ पे 8 गुना ज्यादा चांसेस है कि ये औरतों को हो जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूंगी कि अगर कोई महिला है जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होती है या फिर अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसको थायराइड में प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर किसी ने सर्जरी करवाई है यहाँ की, अगर इसको निकलवा दिया है, कोई प्रॉब्लम था, कोई यहाँ पे टिश्यू खराब होने लगे, उसकी वजह से भी यहाँ पे दिक्कत होती है कि आपको ये वाली जो प्रॉब्लम है वो फिर हो जाती है। तो पहला कारण है कि आपके गले में सूजन हो जाती है। थायराइड की प्रॉब्लम जब भी होगा इसका मतलब है कि आपके गले में सूजन हो गया, तभी आपका वजन काफी तेजी से बढ़ रहा है। और ये किसका कारण मैं बता रही हूँ कि जिसमें वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, थायराइड की प्रॉब्लम है और वजन बढ़ रहा है, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म। दूसरा क्या है, हैशीमोटोस थायरोइडाइटिस। अब ये क्या होता है, ये एक जेनेटिक कंडीशन होती है जो बच्चों को हो जाता है और जन्म से ही बच्चों में ये चीजें होती है। अब ये होता क्या है, बच्चे का जो थायराइड ग्लैंड है वो सही से काम नहीं करता है। शुरू से जब बच्चे का जन्म हुआ तो हमें पता लगा कि उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो काफी कम हार्मोन को बना रहा है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई बीमारी है, उसका बॉडी खुद पे खुद ये सभी काम कर रहा है। अब ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब होता है ऐसा रोग जो आपके बॉडी में हो जाता है और आपका बॉडी खुद ही इस वाले टिश्यू को, इस वाले सेल्स को, आपके इस अंग को दुश्मन मान बैठ करके उस पे अटैक करने लगता है, उसी को हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। और ये जो प्रॉब्लम है, जो हैशीमोटोस थायरोइडाइटिस की प्रॉब्लम है, ये बच्चों को होती है और ये जेनेटिक कंडीशन है, मतलब बच्चों को जन्म से ही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जेनेटिक कंडीशन। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा एक और प्रकार का थायराइड होता है जिसमें वजन काफी तेजी से बढ़ने लगता है, उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। अब ये क्या होता है, ये अक्सर हम देखते हैं कि महिलाओं को होता है। अब वैसी महिला जो कि अभी तुरंत बच्चे को जन्म दी है तो उनमें ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और लगभग 9% महिला को, 9% महिलाएं ऐसी होती है जिनको ये चीजें हो जाती है। और ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है और ये आसानी से ठीक हो जाता है। साथ में हम ये देखते हैं कि अगर किसी को ये वाली प्रॉब्लम है जिसमें वजन तेजी से घटता है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या है जिसमें वजन घट रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण इसमें भी होता है कि अगर यहां सूजन हो गई है तो कुछ भी हो सकता है, वजन बढ़ सकता है, वजन घट भी सकता है। तो यहां पे पहला कारण यही है थायरोइडाइटिस, जिसमें यहां पे सूजन हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है ग्रेव्स डिजीज। ये ग्रेव्स डिजीज देखिए, ये वाली जो समस्या है वो किसको होती है, ये वाली समस्या जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें बचपन से ही हार्मोन काफी ज्यादा बनने लगता है, मतलब ओवर एक्टिव थायराइड, ज्यादा ही एक्टिव है, ज्यादा सक्रिय है और ज्यादा काम कर रहा है, इसीलिए बॉडी में T3 और T4 दोनों हार्मोन काफी तेजी से बनने लगता है। ये बात आपको समझ में आ गया। साथ ही आपके बॉडी में अगर एक्सेस आयोडीन की समस्या हो जाती है, एक्सेस आयोडीन अगर हो गया आपके बॉडी में, तभी भी आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो ज्यादा हार्मोन बनाएगा और उस इंसान का वजन काफी तेजी से घटने लगता है। अगर आपके थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बन जाए, नोड्यूल्स का मतलब क्या होता है, नोड्यूल्स का मतलब होता है लंप। अब लंप का मतलब क्या होता है, गांठ। यहां पे अगर अंदर में गांठ बन जाए वहां पे तो भी समस्या होती है और जो आपका थायराइड है वो ज्यादा ही सक्रिय हो जाता है, ज्यादा काम करेगा। इसका मतलब है कि जब ज्यादा काम करेगा तो हमारे बॉडी को वो नुकसान करेगा। कोई भी चीज है, अगर कोई भी चीज है, आयोडीन आप खाते हैं तो उसको भी लिमिट मात्रा में खाना है, नहीं तो अगर कम होगा तो वजन बढ़ेगा, ज्यादा होगा तो वजन घट जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि अब कंडीशन क्या क्या चीजें होती है, ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें ये संभावना बहुत ज्यादा होती है और लगभग हो ही जाता है थायराइड की प्रॉब्लम, ऐसा क्या हो जाता है बॉडी में, रिस्क फैक्टर हम उसको बोलते हैं, मतलब संभावना होती है, कौन कौन सी होती है। इसमें दो तरह हम चीज देखते हैं, पहला है कि फैमिली हिस्ट्री। अब कोई कोई ऐसा रोग होता है जिसमें फैमिली को है और वो आगे पास हो रहा है, इसका मतलब है कि वो जेनेटिक है, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हमारी फैमिली है, हमारे फैमिली में थायराइड की प्रॉब्लम है। अब हुआ क्या,
कि मेरे बच्चों को हो गया, उसके बच्चों को हो गया, तो ये वाला जो कंडीशन होता है इसको हम बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री। दूसरा होता है मेडिकल कंडीशन। अब मेडिकल कंडीशन में बहुत सारे रोग ऐसे होते हैं जिसमें आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब वो कंडीशंस कौन कौन से, देखिए पहला जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं परसीनियस एनीमिया। परसीनियस एनीमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है आपको, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब खुद पे खुद ये रोग हो जाता है। अब एनीमिया से आपको समझ में आ रहा होगा कि अच्छा खून की तो कमी होगी, लेकिन किस प्रकार के खून की कमी है इसको हम एक और चीज बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिसन्स एनीमिया। एडिसन्स एनीमिया, अब इसमें होता क्या है, देखिए जब आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो, ऐसा रोग जो कि आपके बॉडी में क्या करे, आपके बॉडी में खून को कम बनाए। बॉडी में खून का कौन सा सेल्स होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं, जो आपके हड्डियों के बीच में मौजूद स्टेम सेल से बनता है। तो वो तो अभी बहुत बात की बात, ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूं, लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला जो रोग है जिसमें खून कम होता है, और अगर आपका पेट है, ये है ना, यहाँ पे पेट देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो आपका स्टमक है, इसके अंदर की जो परत होती है, सबसे अंदर की परत, वो अगर बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये वाला प्रॉब्लम होगा। अब इसीलिए बोला जाता है कि सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीजिए, क्योंकि आपका जो स्टमक है, आपका पेट है, उसके अंदर की जो परत है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है सुबह सुबह खाली पेट चाय या कॉफी पीने की वजह से। तो फिर सभी बोलते हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स हो गया। अब उसी कंडीशन में जैसे ही आपके पेट के बीच का ये वाला हिस्सा क्या हुआ, वीक हो गया, वैसे ही क्या हो गया कि आपको ये वाला प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीना है, नहीं तो थायराइड की समस्या हो सकती है। साथ में दूसरा कंडीशन क्या होता है, दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब क्या हो गया कि जिसको जुवेनाइल डायबिटीज है, बच्चों को जो डायबिटीज होती है उसमें क्या होता है, आपका जो पैनक्रियाज है, जब बच्चों को होता है तो उसका जो पैनक्रियाज है जो कि स्टमक के पास होता है, ये बिल्कुल इंसुलिन को बनाना कम करता है या फिर पूरी तरह से बंद कर देता है। इसकी वजह से भी आपके बॉडी में थायराइड की समस्या हो सकती है। जिस बच्चा को ये वाले डायबिटीज है उस बच्चे को थायराइड की समस्या होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और उसको हो जाता है, ठीक है। तीसरा ये है कि जब आपका एड्रिनल ग्लैंड, ये वाला जो ग्लैंड है, देखिए ये वाली आपकी किडनी है, इसके ऊपर जो छोटा सा येलो कलर का ग्लैंड है, यहां पे मैं आपको दिखाती हूं, ये वाला ग्लैंड, ये वाला जो ग्लैंड है येलो कलर का, ये छोटा सा, ये वाली जो ग्लैंड है, जब ये वाली ग्लैंड काफी कम अपने हार्मोन्स को निकालने लगती है, अब इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, इस ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, क्या बोलते हैं, एड्रिनल। अब एड्रिनल ग्लैंड क्यों बोलते हैं, देखिए यहां पे रीजन है इसका, अब रीजन क्या है, क्योंकि ये किडनी के ऊपर बिल्कुल चिपका हुआ है इसके भाई की तरह, तो यहां पे क्या हो गया कि किडनी की तरह चिपका हुआ है, उसमें ऐड हो रखा है, इसीलिए इसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। रीनल हम किडनी को बोलते हैं, उसके ऊपर चिपका है, इसीलिए इसका नाम ये है, ठीक है। अब ये जो हार्मोन निकालता है वो क्या निकालता है, कॉर्टिसोल हार्मोन को निकालता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करती है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे बॉडी में फ्लाइट एंड फाइट वाले सिचुएशन को देखते, इसका मतलब है कि कभी भी हमें सांप दिखता है, हमें छिपकली दिखती है, कॉकरोच दिखता है, तो हम क्या करते हैं, डर जाते हैं, डर के भाग जाते हैं, तो उस टाइम में ये वाली हार्मोन काम करती है। साथ में ये वाला जो हार्मोन है वो एक और हार्मोन को निकालता है, ये वाला जो ग्लैंड है वो एक और हार्मोन को निकालता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन को, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। अब दिक्कत तब होता है जब एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन को कम बनाने लगता है, देखिए यहां पे ये क्या किया, कम बनाया, जब भी कम बनाएगा तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, हाइपोकॉर्टिसोलिज्म की समस्या हो गई, हार्मोन्स कम बनने लगा। अब इस कंडीशन में भी आपको थायराइड ग्लैंड की समस्या हो जाएगी, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया कि दूसरा रोग कौन सा है, टाइप 1 डायबिटीज, उसके बाद अगर आपको ग्लैंड में प्रॉब्लम है, एड्रिनल ग्लैंड में, तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद अगर आपके बॉडी में समस्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, माना
माना कि आपकी बॉडी में जो भी जोड़ है, जो भी हाथ है, जो भी पैर है, आप मोड़ते हैं, आपको दर्द करता है, आपके जॉइंट्स में दर्द है, घुटनों में दर्द है, वहां पे हल्की सी सूजन रहती है, उसी को हम बोलते हैं अर्थराइटिस। उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थराइटिस। अब देखिए, अक्सर ये हाथ और पैर के जो जॉइंट्स होते हैं उनमें हो जाता है, यहाँ पे जो जॉइंट्स है, ये वाले जॉइंट्स, ये काफी ज्यादा तकलीफ और दर्द भी देते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इस तरह देख रहे हैं आप, यहाँ पे स्वेलिंग आ गई। तो जैसे ही यहाँ पे स्वेलिंग आ गई, वैसे क्या होगा, वैसे आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा हाथ पैर को मोड़ने में। तो जब भी किसी को ये वाला समस्या होता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की समस्या होती है, उसको भी थायराइड हार्मोन बॉडी में कम या तो ज्यादा बनने लगता है, उसमें दिक्कत हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। साथ में यहां पे हम देखते हैं कि अगर किसी को टर्नर्स सिंड्रोम है, टर्नर्स ये क्या होता है, ये एक ऐसी सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें, मैं आपको अभी बताती हूँ। देखिए, जब हम समझते हैं कि कोई लड़का है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, लड़की एक्स एक्स, तो लास्ट का जो ये एक्स एक्स है और एक्स वाई है, ये क्या करता है, ये लिंग को निर्धारित करता है। लड़की होगी तो एक्स एक्स, लड़का होगा तो एक्स वाई। अब होता क्या है कि ये वाला जो प्रॉब्लम है टर्नर सिंड्रोम, ये सिर्फ लड़कियों को होती है। जब इस टाइप के बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास एक एक्स होता है और ये एक्स गायब होता है, फिर हाफ होता है, इस तरह हाफ आधा टूटा फूटा होता है, पूरी तरह से एक्स एक्स नहीं होता है, जिसकी वजह से इनका हाइट काफी कम रहता है, गर्दन काफी ज्यादा चौड़ी रहती है, सीना काफी ज्यादा चौड़ा रहता है। साथ में इनका जो ब्रेन है वो सही से काम करता है, ब्रेन पे कोई दिक्कत नहीं होती है, ब्रेन सही से काम करता है, लेकिन बॉडी में थायराइड की दिक्कत हो जाती है। जब वो बड़ी होती है तो उसके साथ उसके जो उसका जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, उसका ओवरी, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, उसकी जो ओवरी है उसकी सही से ओवल्यूशन नहीं हो पाती है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, बहुत दिक्कत होता है और हाइट बहुत कम रह जाता है, विकास जो बॉडी का हम बोलते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, उसी को हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक, तो इस प्रकार का जब दिक्कत होता है तो उस कंडीशन में भी हाइट छोटी होती है और आपके थायराइड ग्लैंड में फिर समस्या हो सकती है। अगर आपको प्रॉब्लम है थायराइड की तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास और फिर आप क्या क्या टेस्ट करवाएंगे। अगर आप जाते हैं डॉक्टर के पास, सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा। ब्लड टेस्ट में क्या क्या टेस्ट आपको करवाना है, देखिए यहां पे हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, TSH, इसका मतलब है कि जो हमारा ब्रेन है वहां से निकलता है TSH पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से, और इसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि आपके बॉडी में 0.40 से 4.50 तक होना चाहिए। ये MIU का मतलब है मिलीलीटर इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इतना आपके बॉडी में नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर ये कम होता है तो आपका वजन बढ़ेगा, ज्यादा होता है तो आपका वजन घटेगा। ठीक है, दूसरा है T4 का आपको चेकअप करवाना है। अब इसका नॉर्मल रेंज क्या है, 5.0 से 11.0 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज जितना है, अगर उससे कम होता है तो आपका वजन बढ़ेगा, ज्यादा होता है तो आपका वजन घटेगा। तीसरा T3 हार्मोन, इसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन और इसको हम बोलते हैं ट्राई आइडो थायरोनिन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन, तो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। अब T3 हार्मोन का जो नॉर्मल रेंज है वो कितना होना चाहिए, 100 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। इससे कम होगा तो आपका जो वजन है वो बढ़ेगा, इससे ज्यादा होगा तो आपका वजन बॉडी में घटने लगेगा। तो आपके बॉडी में ये तीनों हार्मोन का चेकअप होगा। साथ में डॉक्टर आपको बोलेंगे कि आपको थायराइड एंटीबॉडीज का भी चेकअप करवाना है, क्योंकि जब ये ज्यादा बनता है तो वजन काफी कम होने लगता है और जब ये कम बनता है तो वजन काफी ज्यादा होने लगता है। इसके अलावा आपको कैल्सिट्रोनिन का चेकअप भी करवाना है, क्योंकि जो कैंसर होने की संभावना होती है, अगर ये बॉडी में ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब है कि संभावना है कि कैंसर हो जाए, तो पेशेंट को कहीं कैंसर होने की संभावना तो नहीं है, उसके लिए हम फिर कैल्सिट्रोनिन का चेकअप करवाते हैं ये देखने के लिए। साथ में हम थायरोग्लोबुलिन का चेकअप करवाते हैं। अब ये क्यों करवाते हैं, ताकि हम चेक कर सके कि यहां पे
कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, थायरोइडाइटिस की समस्या तो नहीं है। इसके अलावा हमने ब्लड टेस्ट सारा कर लिया। सेकंड हमें क्या करना है, हमें फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को हम ऊपर से नीचे तक देखते हैं, उसके आंखों का कलर, उसके स्किन का कलर, उसके जीभ का कलर, उसके मसूड़ों से खून तो नहीं आ रहा है। जब आपको परनीशियस एनीमिया होता है, खून की कमी हो जाती है, जिसमें आपको मैंने बताया कि जब आपका बॉडी ही खुद पे खुद अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाने लगता है, तो उस कंडीशन में मसूड़ों से खून भी आता है, स्किन पीला पड़ जाता है। तो थायराइड की अगर प्रॉब्लम्स है तो आपका डॉक्टर जो है वो आपके ऊपर से नीचे तक एग्जामिनेशन करते हैं, साथ में आपके स्किन के कलर को देखते हैं, ब्लड को देखते हैं, ब्लड प्रॉपर अमाउंट में है या फिर नहीं है, हीमोग्लोबिन सही से है या फिर नहीं है, आपकी जो एक्टिविटीज है वो कैसी है, यहां पे कोई गांठ बन रहा है पानी पीने के समय या फिर नहीं, साथ में जब आप थोड़ी देर तक चलते हैं तो आपके एनर्जी कैसी है, कितना एनर्जेटिक है आप, इन सभी चीजों का चेकअप करते हैं, ठीक है। तो यहां पे फिजिकल एग्जामिनेशन आपका हो जाता है, साथ में लास्ट में इमेजिंग टेस्ट किया जाता है। हो सकता है कि आपके ब्रेन का हो सकता है कि आपके थायराइड ग्लैंड का हो, तो ब्रेन की भी चेकअप की जाती है, थायराइड ग्लैंड की भी चेकअप की जाती है। तो इमेजिंग टेस्ट में क्या क्या आते हैं, अल्ट्रासाउंड आ गया आपका, MRI आ गया, साथ में CT स्कैन आ गया, तो इन सभी चीजों के माध्यम से बॉडी का चेकअप किया जाता है, एक्सरे आ गया, इसमें सभी चीजें आ जाती है। तो जैसे ही ये सभी डायग्नोसिस हो जाएगी उसके बाद आते हैं हम ट्रीटमेंट पे। अब इलाज क्या क्या होता है, इलाज में हमने सीखा है कि दो तरह की थायराइड प्रॉब्लम्स होती है, एक जिसमें वजन काफी तेजी से घट जाता है तो हम उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब उसमें दवाई क्या क्या देंगे हम पेशेंट को, सबसे पहला चीज हम पेशेंट को एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे अगर उसका वजन घट रहा है तो। अगर घटता है तो उसमें क्या है, मेथाइमाजोल और प्रोपाइल थियोरेसिल, ये दोनों दवाई हम पेशेंट को देंगे अगर उसका वजन घट रहा है तब, ठीक है। दूसरा हम रेडियो एक्टिव आयोडीन दे सकते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो दवाई होती है उसमें आपके ये जो दवाई है वो आपके थायराइड ग्लैंड के सेल्स को डैमेज करती है ताकि वो हॉर्मोन्स को ना बनाए, क्योंकि यहां पर वजन घट रहा है इसका मतलब है हॉर्मोन्स ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तीसरा है बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स आपके थायराइड ग्लैंड पे काम नहीं करती है, ये आपकी बॉडी में जो भी थायराइड प्रॉब्लम्स होने की वजह से लक्षण आ रहे हैं ये उस लक्षण पे फिर काम करती है, तो ये आपके सिम्टम्स पे काम करती है, ये ग्लैंड पे काम नहीं करती है। आपको थकावट महसूस होता है, बहुत जल्दी आप थक जाते हैं, साथ में आपको ठंड बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है या फिर बहुत ज्यादा आपका हार्ट बीट है, तो ये उस पर काम करेगा, ये आपके थायराइड ग्लैंड पे काम नहीं करेगा। उसके अलावा अगर वहां पे कोई गांठ बनता है, मतलब नोड्यूल्स या फिर लंप्स दिखते हैं या फिर ट्यूमर्स, अगर आपको लगता है आपके डॉक्टर को कि वहां पर ट्यूमर्स है वो कैंसरस हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में सर्जरी कर दी जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है उसका जो सेल्स है वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, तो वो बॉडी में रह के फिर क्या होगा, तो उस कंडीशन में थायरोडेक्टमी की जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें थायराइड ग्लैंड को सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं, साथ में जब भी रिमूव करते हैं तो आपको दवाई लेनी होती है और हमेशा वो दवाई आपको लेनी ही पड़ती है, ठीक। तो ये सभी चीजें की जाती है। अगर आपका वजन बढ़ता है तो उस कंडीशन में सिर्फ एक चीज की जाती है, थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन, जिसमें आपको दवाइयां दी जाती है ताकि आपके बॉडी में थायराइड का जो लेवल है वो काफी मेंटेन रहे। उसमें सबसे कॉमन क्या है, लेवोथायरोक्सिन होती है जो अक्सर दी जाती है पेशेंट को। तो इन सभी चीजों को हम तब करते हैं जब किसी पेशेंट के बॉडी में हम ये जान पाए कि आखिर उसके बॉडी में हॉर्मोन्स ज्यादा बनता है या फिर कम बनता है। तो ये सभी चीजों को पता करने के बाद ही हम पेशेंट को फिर से दवाई देते हैं। तो मैं समझ रही हूं कि अभी का लेक्चर, आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।